छती है, और पर्सनली भी मेरी छती है क्योंकि मुझे बेटी की तरह हमेशा ट्रीट किया है उन्होंने। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे उनसे। जब भी गई हूँ तो उनके जुझारूपन को देख के मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। बीमारी के हालत में भी वो हमेशा काम करते हुए दिखे हैं, कभी भी आराम करते हुए हमने नहीं देखा उनको। तो जिस तरह का उनका जुझारूपन राज्य के लिए था, राज्य के हित के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। जेन्युइन काम जो भी दिखता था उस पर बिल्कुल देर नहीं करते थे। तो बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिस तरीके से देखा जाता था कि कोई भी परिस्थिति हो, उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता नजर आता था और मुस्कुराते हुए ही वो हर चीज का सामना करते थे। कभी आज तक उनको गुस्साते हुए नहीं देखे, कभी आज तक उनको किसी से बुरे बर्ताव से बात करते हुए नहीं देखे। उनका व्यवहार, उनका जुझारूपन, यही उनकी बहुत बड़ी खूबसूरती थी अम्मा निश्चित जी, तौर आपने पे। कहा कि पिता की तरह वो आपको किए थे, तो कोई ऐसी याद जो आज आप साथ बिल्कुल, हम उनके घर रिसेंटली गए थे। एक हमारे क्षेत्र का एक स्कूल का मामला था जिसमें बच्चियां पढ़ती थी, तो वो स्कूल लगभग ख़त्म हो गया था कुछ बच्चों का कमी के वजह से, लेकिन 200 बच्चियां पढ़ती थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला बच्चियों का सवाल है तो फिर हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, और फिर उसके लिए तुरंत चिट्ठी निकाल के उसको फिर से पुनर्जीवित किया। तो ये बहुत रिसेंट बात है। बाकी तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैंने उनके माध्यम से क्षेत्र के बहुत सारा काम कराया। वो मुझे विजन भी दे रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सारा अपना जो प्लान है वो बता रहे थे। और मुझे लगता है उनका बहुत सारा प्लान अधूरा रह गया है जो बिल्कुल हमारे राज्य हित के लिए था। निश्चित तौर से क्षति तो हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।